हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं न्यू लॉन्च प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ एंड ये है नायका ग्लॉस इट अप लिप ग्लॉस। और इसे मैंने दो तीन दिन पहले ये मुझे मिल गया था, मैंने नायका से मंगवाया था और इसकी डिलीवरी एक्चुअली बहुत फास्ट हुई। इसके बारे में मैं बता दूँ, ये वेगन प्रोडक्ट है, क्रुएल्टी फ्री है, पैराबेन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, नो प्रिजर्वेटिव। एंड इसकी सबसे खास बात है कि ये मिनरल ऑयल फ्री लिप ग्लॉस है एंड दिस इज द पैकेजिंग आप देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल नायका सो मैट लिपस्टिक की जो लंबाई चौड़ाई थी, बिल्कुल वैसी ही इस लिप ग्लॉस की भी है। और अभी मैंने अपने लिप्स पर कुछ अप्लाई नहीं किया हुआ है तो अभी मैं लगा करके दिखाऊंगी। उससे पहले मैं बता दूँ, इसमें शायद 8 शेड लॉन्च हुए हैं। जी हाँ, मैंने लिया है शेड 06, नेम है उसका ड्रॉप, सॉरी नेम ड्रॉप है इसका नाम। और 2 ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है एंड दिस इज द लिप ग्लॉस। चलिए ओपन कर लेते हैं। सो दिस इज द शेड नंबर 06, दिस इज द पैकेजिंग एक्चुअली। और आपको वीडियो में जो शेड दिख रहा है उससे एक टोन माइनस कह सकते हैं लाइटर है, और जो आपको ऑनलाइन शेड दिखाई देगा उससे आपको एक टोन लाइट ही मिलेगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। साथ ही इसकी पैकेजिंग जो है थोड़ी सी स्लिम होती तो ज़्यादा अच्छी लगती, ओवरऑल ठीक है। यू कैन सी बेस्ट पार्ट है कि आपको ग्लॉस दिख रहा है एंड इस पे सिल्वर कलर से नायका लिखा हुआ है और बहुत ही डिसेंट पैकेजिंग है। ब्लैक कलर का इसका कैप है। तो अभी मैं आपको इसे लिप्स पर अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ। आप चाहें तो इसे लिप लाइनर के साथ अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो लिपस्टिक के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो सिंपली भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक शेड ऐसा है जो सबसे ज़्यादा लाइट है एंड उसमें ग्लिटर पार्टिकल हैं, बाकी किसी भी लिप शेड में ये जो लिप ग्लॉस है इसमें ग्लिटर्स नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बता दूं कि ये ब्रश के साथ आता है, ये देखिए इस तरीके का ब्रश है, तो तब ये बॉटल बड़ी प्यारी लग रही है, एकदम क्यूट और टाइनी। तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं ये लिप ग्लॉस एंड देखते हैं इसका पिगमेंटेशन। हालांकि मैं 2 दिन से इस्तेमाल कर रही हूँ, हाइड्रेशन इसका अच्छा है, लिप्स को मॉइस्चराइज रख रहा है एंड पिगमेंटेशन ओके है, बहुत ज़्यादा डीप डार्क भी नहीं है, कोई भी शेड ले लीजिए। और प्राइस की बात करूं दोस्तों, मेन चीज़ जी हाँ, तो वो है ₹450, ₹450 का है, विच इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव। आई थिंक इसका प्राइस 350 इज़ बेस्ट, बट क्या कर सकते हैं। सो चलिए, ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है नायका की साइट से ही। अगर आपके शहर में आउटलेट हैं तो आप आउटलेट पर जाकर के सभी कलर देख करके उसके बाद ही परचेजिंग करें। तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं। दिस इज द ग्लॉस। ये जो शेड है ना, ये गर्ल्स के लिए बेस्ट है और एवरी स्किन टाइप के लिए नेम ड्रॉप 06 इज परफेक्ट। तो दोस्तों, इस ग्लॉस को मैंने अप्लाई कर लिया है एंड क्योंकि ये ग्लॉस है तो ऑफ कोर्स आराम से ट्रांसफर होगा, बार बार ट्रांसफर होगा एंड बस लिप्स पर अगर आप कुछ खा पी रहे हैं तो ये निकल जाएगा, लेकिन नरिशमेंट बना रहेगा, लिप्स मॉइस्चराइज रहेंगे। और आपको लिप ग्लॉसेस लगाने के लिए आई थिंक लिप बाम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में ही इतने नरिश कर देते हैं लिप्स को। और एक चीज़ और है कि विंटर्स में ग्लॉसेस बहुत अच्छे लगते हैं मैट लुक के साथ में, थोड़ा सा ग्लॉसी जब लुक आता है लिप्स का। और इसमें डार्क शेड भी है, रेड शेड भी है ब्राइड्स के लिए। और आप अपनी लिपस्टिक को किसी भी मैट अल्ट्रा मैट लिपस्टिक को ग्लॉसी बना सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। एंड
एक्चुअली आई लाइक दिस प्रोडक्ट और क्योंकि इतनी सारी खूबी है इसमें और ये बिल्कुल स्पॉन्सर वीडियो नहीं है. बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं यू नो जिन्होंने पता नहीं क्यों मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है. आई थिंक शायद उनकी नेगेटिव सोच की वजह से कि वो हमेशा उस तरीके के कमेंट्स करते हैं कि यू नो ये वीडियो स्पॉन्सर है बता नहीं रही हो एंड ऑल दैट. देखिए आई कैन अफोर्ड तो इस वजह से मैं उन्हीं प्रोडक्ट के रिव्यू करती हूँ जो मैं इस्तेमाल करती हूँ. मैं बार बार बोल चुकी हूँ और जिस दिन मैं किसी भी प्रोडक्ट का उठा करके रिव्यू करने लगूंगी आप समझिए मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगी कि ये वीडियो स्पॉन्सर है. लेकिन अभी तक मेरी कोई वीडियो स्पॉन्सर नहीं है दोस्तों. और बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो बोलते भी हैं कि प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है. तो देखिए दोस्तों कॉस्ट मैटर नहीं करती है, मैटर करता है प्रोडक्ट एंड उसकी क्वालिटी. क्योंकि मुझे अपनी स्किन पर अप्लाई करना है, मुझे मेरे लिए इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं वही लेती हूँ जो मुझे सही लगता है. इसलिए अगर आपको मैं सजेस्ट करूँगी तो अपना बेस्ट ही सजेस्ट करूँगी. और मुझे लगता है कि जब भी मेरी फर्स्ट स्पॉन्सर वीडियो आएगी तो मैं उस पर लिखूंगी एंड प्लेलिस्ट में अलग से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी उसमें स्पॉन्सर वीडियोस के लिए जिससे कि आप कंफर्म हो सकें. और बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, यू नो उन्हें अच्छा नहीं लगता हो सकता है कि मैं चीज़ें परचेज कैसे कर लेती हूँ. मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रही हूँ आज. देखिए मैं इस सब में बोलना नहीं चाहती थी लेकिन इस तरीके के कमेंट्स की बेवकूफ़ बना रही हो एंड स्पॉन्सर है तुम्हारी वीडियो ब्ला ब्ला. देखिए मैं ही नहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ अफोर्ड कर सकते हैं इसलिए मेरी वीडियोस अभी तक स्पॉन्सर नहीं है. वो बात और है कि मैं न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स के एंड लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के और बहुत ही सिलेक्टेड एंड बेस्ट प्रोडक्ट्स के रिव्यू करती हूँ बिकॉज वो मैं यूज़ करती हूँ. और रही बात नायका के प्रोडक्ट्स की तो ये सच है कि मैं नायका की साइट से बहुत ज़्यादा परचेजिंग करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत हेडेक नहीं लेना पड़ता. मुझे न्यू लॉन्च प्रोडक्ट वहाँ मिल जाते हैं और यू नो मुझे ट्रस्ट है क्योंकि मेरे प्रोडक्ट मुझे 3-4 दिन या 2 दिन में ही मिल जाते हैं एंड मैं हमेशा कैश ऑन डिलीवरी से मंगाती हूँ हमेशा. और यस दोस्तों और आपने देखा होगा अगर मैंने किसी हाई एंड ब्रांड का भी प्रोडक्ट का रिव्यू किया है तो 1-2 प्रोडक्ट का किया है बिकॉज स्पॉन्सर्ड वीडियो तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स की होती है ना. और खैर ये तो बात हो गई एक और बीच में मैं बोल रही हूँ उसके लिए सॉरी. एंड मैं पिछले 7 दिन से रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ बिकॉज मेरे जो हस्बैंड हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं एंड मैं पिछले 7 दिन से हॉस्पिटल में लगातार हूँ. सो आई एम ऑल्सो नॉट वेल एंड यू नो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपके रिप्लाई मुझे थोड़े देर में करती हूँ तो उसके लिए आप इरिटेट ना हो. और बाकी की वीडियोस मैं अपडेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने हॉस्पिटल जाने से पहले सारी वीडियोस यू नो बनाई थी उन प्रोडक्ट्स की जिन्हें मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी. और ये वीडियो मैं बना रही हूँ आज आज है धनतेरस और आज ही ये मैं अपलोड करूँगी दोस्तों. सो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू. एंड इसके बारे में ओवरऑल मैं बताऊँ तो ये 10/10 प्रोडक्ट तो नहीं लगता मुझे, ये 10 में 8 मार्क्स दूंगी बिकॉज आप देख रहे हैं ये देखिए पिगमेंटेशन इज नॉट डीप डार्क बिकॉज मेरे लिप्स ऑलरेडी थोड़े नेचुरली अच्छे है, मतलब बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है तो इस वजह से यू नो थोड़ा माइनस पॉइंट है ये. और सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ले ही रही हैं या लेना चाहती हैं तो आउटलेट से लें या फिर ऑनलाइन ले रही हैं तो पहले एक कोई भी शेड ट्राई कीजिए उसके बाद आप दूसरा मंगाइएगा दोस्तों. यस दिस इज़ माई रिव्यू. एंड स्टेइंग पावर की बात करूँ तो क्योंकि ग्लॉस है रुकता नहीं है ये देखिए ट्रांसफर होता है. अब तो पिगमेंटेशन बिल्कुल लाइट हो गया तो बस वही बात है. अब थोड़ा सा फैल भी रहा है, स्मच हो रहा है इधर उधर. सो इसको आप यू नो थोड़ा केयरफुली लगाएं एंड थोड़ी सी क्वांटिटी कम लगाएंगे तो कम फैलेगा और ट्रांसफर तो होगा ही अगर आप खा पी रहे हैं किसी चीज़ पर. ओवरऑल यू नो ओके ओके प्रोडक्ट है ये मेरे लिए एंड प्राइस वाइज इट्स ओके. या आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और
जितनी बार आप चाहें उतनी बार ट्रांसफर होगी। ये देखिए जी हाँ, अब तो सिर्फ लिप बाम जैसा लुक रह गया है दो बार में ही। तो शायद इसके साथ आपकी लिपस्टिक भी लाइट हो जाए, आपको टचअप करना पड़े। और क्या बताना है, या इसमें ऐसा कोई इतनी ऐसी कोई फ्रेग्रेंस नहीं है जो इरिटेट करे। एंड दिस इज अ लॉन्ग वियरिंग, फेदर प्रूफ, एब्सोल्युटली कलर प्योरिटी इन्फ्यूज्ड विद लाइट मैग्नीफाइंग टेक्नोलॉजी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब इस पे लिखा है। और मीट नायकाज ग्लॉस सिट अप फाइनली अ लिप ग्लॉस दैट इज सेक्सी एंड कम्फी एट द सेम टाइम इनरिस्ड विद अ न्यू लाइट मैग्नीफाइंग टेक्नोलॉजी। दिस लिप ग्लॉस गिव्स यू एब्सोल्यूट कलर प्योरिटी विद अ शाइन दैट इज श्योर टू स्टील द स्पॉट लाइट। इट्स कुशनी फॉर्मूला हग्स योर लिप्स टू गिव यू एन इरेसिस्टिबल जूसी पाउट, no tackiness and no glitteriness. This gloss is all about high shine glamour and it's okay. Yes, I like it. This is for everyday use, truly. सॉरी दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी इसके लिए, एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल रारा, और अनदर न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स के रिव्यू जरूर देखिएगा। बाय बाय। एक और चीज़ मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, अगर आपका मन है तो ही लीजिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो।